हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और मेरा जो मॉर्निंग जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो गया है और अभी देखो कितना पसीना आया हुआ है। और अभी मेरा काम शुरू होगा और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में चले गए थे और आज मैं उनके जाने के बाद वापिस सोगी, क्योंकि मैं कल रात को नहीं सो पाई थी। लकी ज़्यादा परेशान था तो उसकी वजह से मैं सो नहीं पाई थी। तो कल सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था और काम भी बहुत ज़्यादा किया था, तो बेसिकली ऐसा हो गया था जैसे बुखार होगा। तो उनके जाने के बाद मैं वापस हो गई थी। तो मैं उठी थी 6:30-7:30 के आसपास और लकी को फ्रेश करवाया, उसको पेडिग्री दी, अभी वो सो रहा है। और फिर मैंने जो मैं कल किचन का सामान लेके आई थी ना, वो कुछ तो मैंने रात को ही सेट करके रख दिया था और कुछ मॉर्निंग में उठी थी तो मैंने रख दिया था। और कॉफ़ी मैंने पी ली थी, ब्लैक कॉफ़ी। और अभी मैं नहाऊंगी सबसे पहले और फिर उसके बाद, गला बहुत सूख रहा है तो अभी मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं गर्म पानी से नहाऊंगी और फिर उसके बाद मैं अपनी एक कप कॉफ़ी बनाऊंगी। और आज का जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं अब से शुरू कर रही हूँ। मतलब अब 9 के आसपास का टाइम हो गया होगा, 9:15 के आसपास का टाइम हो गया होगा। दूध वाले भैया भी आज जल्दी आ गए थे, तो अभी मैं नाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, अपना रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। वैसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग बताते ही नहीं हो। तो एनीवे, चलो नहाती हूँ और फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ एक कप कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी के साथ होगी आप लोगों से चर्चा गुफ्तगू। मैं नहा के आ गई हूँ और अभी बनाऊंगी एक कप कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीने से पहले एक गिलास पीऊँगी पानी और अच्छे से गर्म पानी से नहाई हूँ। तो अभी बनाते हैं कॉफ़ी और कॉफ़ी पीते पीते आप लोगों से गुफ्तगू करूँगी। तो चलिए, मैं अभी आ गई हूँ किचन में और किचन में क्या करूँगी मैं वो दिखाऊँगी। बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी टाइम हो गए हैं 4:35 और तलन साहब भी आने वाले हैं, तो अभी चाय के साथ ये मैं देऊंगी जो मैं बनाऊंगी। तो मैं दिखाऊंगी, बेसिकली मैं बनाऊंगी चावल के पकोड़े। और ये कल शाम को बनाए थे तो चावल बच गए थे, तो उसके मैं पकोड़े बनाऊंगी। बहुत टेस्टी ये पकोड़े बनते हैं और इसकी डिटेल वीडियो एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो अगर वो देखना चाह रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं आज भी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं थोड़े दूसरे तरीके से शेयर करूंगी। तो एक चीज को ना कई तरीके से है ना एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए और बहुत टेस्टी बनती है, यकीन मानो। और इसमें जो जो चीज जाएंगी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस पकौड़े को ना मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनते हैं। बाकी आपकी अपनी च्वाइस है, जो भी आप ऑयल खाते हो, घी में बनाना चाह रहे हो तो थोड़ा रिच हो जाएंगे ये, और बाकी आप किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हो। तो ये मैं बना लेती हूँ और दिखाऊंगी मैं आपको पूरा जो जो चीज़ें जाएंगी और पूरी डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर उसके साथ मैं बनाऊंगी चाय, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। और लकी ने 2 ब्रेड खाई हैं, थोड़ी सी पेडिग्री खाई है, तो मैं लकी को दिखाती हूँ। ये लकू, मामा बोल रही, लकू हाय कर दो, लकू हेलो। तो चलो, इसमें जो जाएगा ना सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ। इसमें जो है चावल है और ये कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज है, और इसमें कच्चा जीरा है, ये कच्चा जो है धनिया है, ये थोड़ा सा मैंने कूट लिया है, और ये ओरिगेनो है, ये जो मीठा सोडा होता है ना वो है, ये सेंधा नमक है, ये पीरी पीरी मसाला है। अच्छा, इसमें ये धनिया जाएगा और लहसुन और अदरक कूट के वो डालूंगी। इसमें बेसन जाएगा और थोड़ी सूजी जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देंगे, कुछ तो तेल ये पका हुआ रखा है ये डाल दूंगी, और
कुछ डाल दूंगी। थोड़े से तेल में ही मैं इनको बनाऊंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। अब एक लेते हैं बॉल और ये चावल है और इनको डाल लेते हैं। इतने से मैंने ये बचा लिए क्योंकि मैं इससे अपना फेशियल करूंगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चावल से फेशियल कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा ग्लो आता है उसमें। अच्छा, अब इसमें ये सारे स्पाइसेस डाल देते हैं, प्याज और ये हरी मिर्च और कड़ी पत्ता है, तेज पत्ता बोल रही मैं इनको, कड़ी पत्ता ये डाल देंगे और साथ में डाल देंगे सूजी, ये होगी 4 चम्मच सूजी, और अब डाल देंगे बेसन, बेसन किस लिए डालते हैं ताकि ये अच्छा एक बाइंडिंग का काम करेगा, और सूजी इसलिए डालते हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं, बाकी और भी कोई सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, है ना। आप इसमें डाल देते हैं जो धनिया काट के रखा है वो, खूब सारा धनिया डालना है इसमें, और यहाँ पे पुदीना भी डाल सकते हो आप, पुदीना है तो आपके पास, और कड़ी पत्ता जो है वो ज्यादा भी डाल सकते हो। तो जितने भी मैंने मिर्च मसाले इसमें डाले हैं आप उसको घटा या बढ़ा सकते हो, और कोई चीज स्किप करनी है तो वो भी आप स्किप कर सकते हो। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अदरक कस के, अदरक से जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसमें डाल देंगे, देखो मैं ये तो मैं भूल ही गई थी और भूल ही जाती मैं सच में, ये है हींग और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। अब लहसुन और डाल देती हूँ, इसको भी कस के डाल देंगे। बेसिकली पीसना नहीं है ये, थोड़ा सा जैसे ये कस देंगे ना तो यानी ये दरदरा कूटने के बराबर हो जाता है। तो लहसुन अदरक आप स्किप करना चाह रहे तो कर सकते हो, और इसको कितना भी डाल सकते हो आप, आपके आप ज़्यादा खाते हो लहसुन और अदरक तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, तो अपनी मर्जी से जो है वो इसमें एडजस्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। तो लहसुन का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। अब ये हो गया है, इसको डाल देती हूँ मैं सिंक में, ना तो मैं भूल जाऊंगी। चाय के लिए अदरक जब कसूंगी ना तो इसी से कस दूंगी, फिर उसमें आएगा लहसुन का टेस्ट। फिर कल कि आज चाय में भी है ना लहसुन डाल दिया क्या, तो इसलिए वो पहले ही मैंने सिंक में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, अब इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देती हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो गैस को तेज कर दिया है, 1 चम्मच और डाल दूंगी।
तो अब इस चम्मच का हो गया है काम पूरा। अब हाथों की सहायता से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बस पानी तो शायद 2 ही चम्मच डालना है इसमें, उतना ही पानी जाएगा इसमें। और जब तक ये तेल गर्म होता है जब तक हमने इसको ढक देना है, ताकि जो सूजी हमने डाली है ना वो थोड़ी सी फूल जाए। और तब तक मैं किचन में इस जो ये किचन में थोड़ा सा फैल गया ना उसको मैं समेट देती हूँ। अब ये देखो ये बैटर ऐसा हो गया। अब इसमें ये तेल भी गर्म कर दिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। अब इसके बाद चिमनी चला दूंगी तो आवाज़ कम आएगी, तो मैं वैसे दिखा देती हूँ आपको ये कैसे तलने हैं। अभी जो मस्टर्ड ऑयल है ना वो अच्छा सा मैंने गर्म कर लिया, गैस को बंद कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा करूँगी इसको, क्योंकि ऊपर से तो पक जाएंगे पकोड़े लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा करके फिर गैस ऑन करके फिर मैं चलाऊँगी। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है ना उसको अच्छे से गर्म नहीं करेंगे ना तो उसमें कच्चे तेल की ना जैसे स्मेल होती है ना वो आएगी फिर इनमें, तो वो तो हमने चाहिए नहीं है ना। तो इसको अच्छे से पका लेना है पहले, जैसे धुआं उड़ने लग जाए ना तब तक उसको पकाना है तेल को, और फिर थोड़ा टेम्परेचर ठंडा करके इसका, और फिर हमने पकोड़े बनाने। ये हो गया है, अब तेल भी हो गया है, तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। छोटे छोटे ऐसे लिए और इसमें डाल दिए। देखो अभी गैस ऑन भी नहीं हुई है, तो अब ये पकोड़े डाल के फिर मैं गैस ऑन करूंगी। और पहले इनको मैं कच्चा बनाऊंगी यानी हाफ फ्राई करूंगी, और फिर उसके बाद एक बार मैं फिर फ्राई करूंगी। तो इससे ना पकोड़े का जो टेक्सचर है ना वो बहुत और मस्त होता है, जैसे हम मार्केट से खाते हैं ना वैसा ही टेक्सचर बन जाएगा, वैसे ही क्रिस्पी बन जाएंगे ये। और अब इसको यानी गैस को ऑन कर देंगे और चिमनी में चला दूंगी, क्योंकि फिर पूरे घर में इसकी तेल की वो हो जाएगी। तो इसको गैस कर दी है और अभी फुल फ्लेम पे कर दी है, तो सिम पे अगर करोगे ना तो तेल ज़्यादा पिएंगे ये, तो ये फुल फ्लेम पे हो गए हैं। अब इनको मैं बनाती हूँ। अभी देखो ये हाफ फ्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल देते हैं। तो इनको मैं सबको बना लेती हूँ, दोबारा फ्राई करूंगी तब मैं दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे दोबारा मैंने तेल गरम करना रख दिया है और यहाँ पे चाय बननी रख दी है क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो अब ये जो है ना आप ऐसे कैसे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन फ्राई कब करने हैं जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाए, या इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करके और तब फ्राई करना है आपने। तो ऐसे प्रेस करके करोगे ना तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी अंदर तक जो है पकौड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं कई बार इसको ऐसे प्रेस करके भी बना लेती हूँ और ऐसे ऐसे भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे दोनों में से है ना प्रेस करके दोबारा फ्राई करने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है ना। तो तेल गर्म हो गया है और अब इसको डाल देंगे। और अब ये जो फटाफट से हो जाएंगे, अब ज़्यादा देर तेल में रखने नहीं है, अब इनको निकाल लेते हैं।
अब ये देखो ये सारे पकोड़े मैंने दोबारा कर लिए हैं, यानी फ्राई कर लिए। अब इन पे ना थोड़ा सा पीरी पीरी मसाला वो डाल देंगे ताकि अच्छे से चटपटे बन जाए। यहाँ पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, बट मुझे चाट मसाला है ना थोड़ा सा पसंद नहीं है, तो इसलिए पीरी पीरी मसाला इस पे डाल रही हूँ मैं। इससे जो है टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा, बाकी आपकी अपनी च्वाइस है। बस ये हो गई है रेडी, और चाय भी इधर लगभग उबल गई है, तो बस हस्बैंड का है जो इंतज़ार है वो लकी कोले के गए ऊपर और नीचे, तो हम ये बहुत ही टेस्टी और बढ़िया वाले पकोड़े खाएं। और किचन साथ साथ समेट दिए, मैं दिखाती हूँ आपको। और अब ये देखो ये पकोड़े हो गए हैं रेडी, चाय हो गई है, और अब ये लकी आ गया है नीचे। लकू कहाँ गई थी मेरी बेटी? अब डिनर तो हमने करना नहीं है क्योंकि पकोड़े और चाय ही हैवी हो गए थे, तो डिनर तो करना नहीं, भूख ही नहीं है। अब यहाँ पे जो दही जमानी है उसका काम और दूध गर्म करने का काम मैं करने के लिए रसोई में आ गई हूँ। अब इस दूध की सारी मलाई निकाल कर इस बड़े सारे बोल है ये, इसमें इकट्ठी कर रही हूँ। दो दिन की ये मलाई है, बेसिकली कुछ स्पेशल बनाऊँगी मैं, जब बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक गिलास दूध मैं अपना गर्म कर लूँगी और एक गिलास मेरे हस्बैंड के लिए गर्म कर दूँगी। पकौड़े भी तो तले भी खाए ना, वो नीचे भी तो उतारने हैं ना। तो बस यही है कि अभी डिनर तो हमने करना था नहीं, और एक दो वीडियो की एडिटिंग करी, डिनर का जो टाइम था वो एडिटिंग में लगा दिया मैंने। अब 8:30 का टाइम हो चुका है, तो अब दूध पी के और बेटी की भी कॉल आएगी, और बेटे से बात हो चुकी है, 2-4 बर्तन है और ये, और मैं साफ़ करके और रख दूँगी, फिर मेरी रसोई का काम हो जाएगा कंप्लीट, और फिर मैं आराम से बैठ के हस्बैंड के साथ दूध पीऊँगी, और बस फिर बेटी से बात करते करते वही टाइम हो जाएगा 9:30 के आसपास का, 10 बज जाएंगे तो फिर सो जाएंगे। तो ये मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, और किचन में ना मैं एक भी बर्तन छोड़ के नहीं सोती हूँ। मुझे किचन में रात को झूठे बर्तन रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अपनी किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके तब सोती हूँ। यार ये किचन का जो कपड़ा है स्लैब का, ये भी बहुत अच्छे से साबुन से धो के और तब मैं फैला के रखती हूँ ताकि इसमें स्मेल ना हो। तो अब ये अपना दूध डाल लूँगी और इसमें छोड़ दूँगी हस्बैंड के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे को अभी टाइम लगेगा, अभी मैं पीऊँगा नहीं, तो ढक के रख दूँगी इसको, और जब उनको लेना होगा तब इसमें से डाल देंगे। गिलास भी साथ में रख दिया। अब ये देखो किचन सारी हो गई है साफ। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये लकी बैठा हुआ है और खा पी के आराम से बैठा हुआ है, तो अपना और अपने परिवार का रखना ढेर सारा ख्याल। और दिवाली के आसपास भी हो गया है, धूल बहुत ज़्यादा है, तो अपने बुजुर्गों का बच्चों का खासकर ख्याल रखना। बाय बाय, सी यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, लव यू।